मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश सामने आया है। अवैध अतिक्रमण को लेकर सीएम योगी ने आदेश दिए हैं। यूपी में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा चलेगा। अवैध वाहन स्टैंड, अवैध वसूली के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़कों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुराने चौक स्थित नेहरू कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर के बाद प्रयागराज में भीषण अग्निकांड हुआ है। आग की चपेट में कई दुकानें आई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रयागराज में आग लगने का मामला सामने आया, आसपास के दुकानदारों के सामान समेटना शुरू। मौके पर दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। कई घंटों से नहीं पाया गया आग पर काबू। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 200 दुकानों के कॉम्प्लेक्स में नहीं है आग से बचने की सुरक्षा उपकरण। पहले भी कई बार हो चुकी है आग लगने की घटनाएं। पुराने चौक स्थित नेहरू कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर के बाद प्रयागराज में भीषण अग्निकांड हुआ है। आग की चपेट में कई दुकानें आई। आसपास के दुकानदारों ने सामान समेटना शुरू किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इस खबर पर हमारे संवाददाता पवन हमसे जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। पवन, कानपुर के बाद प्रयागराज में भीषण अग्निकांड हुआ है, कैसे आग लगी, क्या कुछ पूरा मामला? जी मयूरी, ये प्रयागराज कोतवाली थाना क्षेत्र के संजय मार्केट नेहरू कॉम्प्लेक्स में सुबह एक दुकान में आग पकड़ ली तो देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया और उसकी चपेट में करीब 25 दुकानें आ गई। इस नेहरू कॉम्प्लेक्स में लगभग 200 दुकानें हैं। व्यापारियों को सूचना दी गई तो मौके पर भारी भीड़ लग गई। राहत कार्य में लगभग एक दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में लगी हुई है। हालांकि अभी आग पर काबू नहीं पाया गया और धीरे धीरे यह अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले रही है। बता दें, इससे पहले भी 4-5 बार इस बड़े मार्केट में भीषण आग लग चुकी है, उसके बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली। यहाँ के दुकानदार बताते हैं कि यहाँ पर फायर से निपटने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है, जिस कारण आए दिन यहाँ पर ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह शहर का सबसे पास इलाका है और अगर दिन में आग लगती तो यहाँ पर हजारों लोग आसपास रहते हैं तो कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। फिलहाल प्रशासन आग बुझाने में जुटा हुआ है। आग पर काबू न पाने का एक और कारण भी सामने आया है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे ज्यादा रेडीमेड कपड़ों की दुकानें तथा उनके गोदाम है। ऐसे में आग की लपटें बार बार उठ रही है। हालांकि दर्जन भर से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। जी मयूरी, पवन अभी कैसी स्थिति बनी हुई है, क्या किसी के हताहत होने की भी खबर है? चूंकि ये घटना आज सुबह की है तो ऐसे में वहाँ पर लोग नहीं है। हालांकि जो बाजार है वो करीब 11 बजे के बाद वहाँ पर खुलता है। अगर मौके की बात की जाए तो अभी भी आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। हालांकि आसपास के जो दुकानदार है वो करीब 10 बजे के आसपास अपने दुकानों पे आते हैं और ये पॉश एरिया की वजह से लोग वहां पर नहीं है और किसी के हताहत होने की खबर भी अभी तक नहीं है। लेकिन ये जो आग की घटना है, निश्चित रूप से प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवाल निशान खड़ा कर रहा है, क्योंकि दुकानदारों का साफ तौर पर आरोप है कि 4-5 बार पहले भी इस तरह की यहाँ पर घटनाएं हो चुकी है और आग से निपटने के लिए कोई भी सुरक्षा उपकरण इतने बड़े मार्केट में नहीं है, तो एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। जी मयूरी जी, धन्यवाद पवन तमाम जानकारियों के लिए। कोतवाली के गेट पर महिलाओं में मारपीट हुई, औरैया से खबर सामने आ रही है। पुलिस ने बीच बचाव किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आपस में लड़ती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। महिलाओं की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। थाने के पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं ने जमकर मारपीट की है। विधुना कोतवाली का वीडियो वायरल हुआ है। रामनवमी पर आयोजित कार्यक्रम में अश्लील डांस हुआ। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बर्रा के करही में बार बालाओं ने अश्लील डांस किया है। मां स्वर्गवासिनी मंदिर के सामने ये कार्यक्रम हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारी भीड़ के बीच बार बालाओं ने ठुमके लगाए, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, कानपुर में रामनवमी के अवसर पर बाल बालाओं ने अश्लील डांस किया। जी मयूरी, कानपुर के जो बर्रा थाना क्षेत्र जो है, जिसमें कर रही जो गांव है, उसमें देखा है तो जो मां स्वर्गवासिनी मंदिर है, इस पर जो रामनवमी को लेकर कार्यक्रम हुआ, जिसमें देखा है तो वीडियो के माध्यम से साफ दिख रहा है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। इस पर जो बार बालाओं का डांस चल रहा है वो देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हाई कोर्ट की रूलिंग भी है, प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी देखा है तो बर्रा पुलिस जो है इस पर जो बड़ी लापरवाही सामने नजर आई, क्योंकि देखा है तो कहीं ना कहीं बर्रा पुलिस जो है रामनवमी के आटे में जो है परमिशन देती है, उसके बावजूद भी परमिशन होने के बाद भी पुलिस मौके पर होने के बावजूद भी ये बार बालाओं का डांस हो रहा है, बड़ी बड़ा सवाल है।
उपेंद्र, रामनवमी का अवसर था, वीडियो भी वायरल हो गया है जिसमें अश्लील डांस करते हुए नजर आ रही हैं बार बालाएं, तो क्या कुछ एक्शन लिया गया इस पर? जी मेरे को लगे इसमें जो है बर्रा इंस्पेक्टर जो मान रहे हैं इनकी बड़ी लापरवाही सामने भी आई है, और देखा था वही कानपुर जो डीसीपी साउथ जो है सलमान दास पाटिल जो है इस पर जो है देखा है तो कहीं ना कहीं जो एक जांच कमेटी बनाई गई जिसमें जो एसीपी साहब है वो जांच गोविंद नगर जो है वो जांच कर रहे हैं और इसके जो आख्या है वो डीसीपी साउथ को देंगे। जी धन्यवाद उपेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। पचास फायर ब्रिगेड आज बुझाने में लगी है, कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। 1500 से ज्यादा गाड़ी पानी डालने के बाद 12 जिलों में बुलाई गई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12 जिले से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं, कानपुर मंडल की पुलिस फोर्स को भी बुलाना पड़ा है। अग्निकांड के बाद से 1 किलोमीटर तक का दायरा सील हुआ है। 20 करोड़ से ज्यादा कैश जलने की चर्चा है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। 12 आईपीएस संभाल रहे आग बुझाने की व्यवस्था, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 50 फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी हुई है, कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं। 1500 से ज्यादा गाड़ी पानी डालने के बाद भी बता दें 12 जिलों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई, कानपुर मंडल की पुलिस फोर्स को भी बुलाना पड़ा है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से अग्निकांड के बाद से 1 किलोमीटर का दायरा सील किया गया है। 20 करोड़ से ज्यादा कैश जलने की चर्चा है, बता दें करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। 12 आईपीएस संभाल रहे थे आग बुझाने की व्यवस्था। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ चुके हैं। अनिल, कानपुर में बड़ा अग्निकांड हुआ था जिसमें 50 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी भी लगी हुई हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी? बता दो कि लगभग 36 घंटे हो चुके हैं और अभी भी आग पे काबू नहीं पाया गया है और लगातार टीमों पे टीमें लगाई गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आग इतनी ज्यादा भयावह रूप ले चुकी है कि उसको बुझाने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तकरीब अपना रहा है, लेकिन इस पर कंट्रोल नहीं पाया जा रहा। आपको बता दूं कि लगभग 50 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो लगातार पानी पे पानी डाल रही है और लगभग 1500 गाड़ी पानी पड़ चुका है। इसके अलावा बता दूं कि लगभग 12 आईपीएस लगाए गए हैं इस आगजनी को बुझाने के मामले में और लगातार प्रशासन अपनी तरफ से जो भी मशक्कत हो सकती है वो पूरी कर रहा है। और ताजा जानकारी के अनुसार बता दूं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगा दी गई है और गैस कटर से दीवाले काटकर किसी तरीके से आग बुझाने का प्रयास किया जाएगा। और ये भी बताता चलूं कि लगभग 1 किलोमीटर के दायरे के सारे क्षेत्र खाली करा दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं आग इतनी भयावह रूप ले चुकी है कि उसको बुझा पाने के लिए प्रशासन जितनी मशक्कत कर सकता है उतनी कर रहा है, लेकिन आग इतनी ज्यादा हो चुकी है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बिल्डिंग बुझाई जाती है, एक बिल्डिंग बुझाने के बाद जैसे ही प्रशासन दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाता है फिर से पुरानी बिल्डिंग में आग उसी तरह भयावह रूप ले ले रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के भी हाथ पांव फूल चुके हैं इस आग को देख के। अब देखने वाली बात होगी कि आग कब तक घुसती है। अनिल, 20 करोड़ से ज्यादा कैश जलने की चर्चा है। जी बिल्कुल, मैं ताजा जानकारी के अनुसार बता दूं कि लगभग 20 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि ईद का समय था, ईद के समय पे जितने भी व्यापारी थे अपना जो काउंटर कैश काउंटर होता था जितना भी कैश हुआ करता था वो अपने काउंटर पे ही रखते थे और सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाते थे, लेकिन ये जो घटना हुई है देर रात हुई है तो कहीं ना कहीं जो भी कैश था और कैश के साथ ही जो व्यापारियों की रसीदें और स्लिप, क्योंकि ये जो व्यापार होता है उधार का व्यापार होता है तो जो भी वही खाता होता है वो अपनी किताबों में लिखते हैं, लेकिन जब आग लग गई है तो कहीं ना कहीं व्यापारियों का पैसों के साथ में वही खाते भी जल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो उधारी है उधारी का भी रकम डूबने की पूरी आशंका है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से कल ब्रिजेश पाठक कानपुर आए थे, कानपुर आने के बाद उन्होंने सभी को आश्वासन दिया है कि सरकार पूरी तरीके से उनके साथ है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से इनको क्या आश्वासन मिलता है और किस तरीके से सरकार इनको मनाएगी। जी धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। शकील अहमद नदवी सपा अल्पसंख्यक सभा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की स्वीकृति पर मनोनीत हुए हैं शकील अहमद नदवी, अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शकील अहमद नदवी सपा अल्पसंख्यक सभा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं।
सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की स्वीकृति पर मनोनीत हुए। बता दें शकील अहमद नदवी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष बने। सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। शकील अहमद नदवी सपा अल्पसंख्यक सभा प्रदेश अध्यक्ष बने। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की स्वीकृति पर मनोनीत हुए हैं। शकील अहमद नदवी अल्पसंख्यक सभा के अध्यक्ष बने हैं। सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता भिवांशु से जुड़ चुके हैं। भिवांशु, शकील अहमद अध्यक्ष बने हैं, क्या कुछ जानकारी? समाजवादी पार्टी के अगर देखें तो अल्पसंख्यक मोर्चे का जो एक उनका पद था वो लंबे अरसे से खाली था। इसको लेकर कई नामों की चर्चा चल रही थी। अगर बात की जाए तो इसको लेकर अगर देखा जाए तो जब से कार्यकारिणी की बैठक हुई है जो रिक्त पद है उसको लगातार उस पर लोगों को तैनाती के लिए समाजवादी पार्टी लगातार उस पर काम कर रही है। और अब बात की जाए तो अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मोहम्मद शकील नदवी को ये जिम्मा दिया गया है। आपको बता दें कि मोहम्मद शकील लखनऊ के नदवा कॉलेज से आलिम और साथ ही साथ गुरमामा बाद से वो फाजिल की पढ़ाई किए हैं। तो पूरे अगर बात की जाए तो एक लंबे अरसे से लगभग 2019 से अल्पसंख्यक जो सभा है समाजवादी पार्टी का वो खाली था। अब इससे कहीं ना कहीं चुनाव में जो एक पद खाली होने से एक एक रिक्त पद से कहीं ना कहीं उसका नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि आमतौर पर जो पदाधिकारी होते हैं उन लोगों के बीच जाकर पार्टी के पक्ष में वोट मांगते हैं, पार्टी का जनाधार बढ़ाते हैं, मगर पद रिक्त होने से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मुश्किल का सामना करना पड़ा था। और अब इससे निश्चित तौर से कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलेगा। जी जी, धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।